सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम अभी परफेक्ट स्थिति में पहुंच गए। और अभी जो हम फैसला ले रहे हैं वो सही है और हम परिपक्व हो चुके हैं। तो ऐसा है कि साइकोलॉजी में भी बताया जाता है कि हम लोग के मस्तिष्क की संरचना, हम लोग को सोच विचार और भाव की संरचना इस प्रकार से है कि हम लोग चाहे जिस भी आयु में होते हैं तो उस आयु में हम लोग जो कर रहे होते हैं तो हम लोग को लगता है कि यह एकदम सही है। इसीलिए अधिकतर आदमी जो बोल रहे होते हैं वे सदैव कहते हैं नहीं, मैं तो एकदम सही हूं। तो यह जो है यह एक इल्यूजन है। तो हम लोग को लगता है कि हमारा यह जो वर्जन है, आज मैं जो हूं, यह एकदम परफेक्ट है, इस समय में परफेक्ट हूं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो सोचते नहीं नहीं अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं, अभी मैं और मुझे अच्छा होना और बेहतर होना है, अभी मुझे सीखना है, अभी मैं जो कर रहा हूं इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत त्रुटियां हैं। ऐसा जो उनको लगता है जो नॉलेज के प्रति समर्पित हैं, जो माया को तोड़ रहे हैं, इल्यूजन को तोड़ रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत बिरला होते हैं, मतलब हजारों में कोई एक होता है जो इस तरह सोचता है। अन्यथा जब वो व्यवहार में आता है तो आप देखेंगे कि वो अपने को परफेक्ट समझ करके ही उत्तर देता है, व्यवहार करता है। चाहे वह 1 बरस का बच्चा हो, चाहे 5 बरस का बच्चा हो, 10 बरस का बच्चा हो, या वह 14-15 बरस का किशोर हो, या 17-18 बरस का किशोर हो, या 20 बरस का नवयुवक हो, 25 बरस का युवा हो, 30 बरस का युवा हो, 35 बरस का युवा हो, या फिर 40-45 बरस का जो है अधेड़ हो, या 50-60 का अधेड़ हो, या 60 से ऊपर के बुढ़े हो, सब जिस भी उम्र में होते हैं उस समय जो व्यवहार कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, दूसरों से डील कर रहे होते हैं, उस समय उनको लगता है कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूं। तो इसको साइकोलॉजी में फाइनल वर्जन इल्यूजन कहा जाता है। यह इल्यूजन लगभग लगभग सभी को होता है। कुछ एक ही हैं जो कि सदैव सोचते रहते हैं कि नहीं, जो है मुझे अभी बहुत करना है, मैं अभी कुछ नहीं जानता और मेरा व्यवहार जो है यह उचित नहीं है, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत रिफाइन होना है। मनुष्य की जो बुद्धि है वह 10 से 12 वर्ष की अवस्था में विकसित हो जाती है। फिर तो वह अपने अनुभवों से सीखता है, बुद्धि का विस्तार तो उसका हो चुका होता है जितना होना होता है। तो यह जो है इल्यूजन, यह इसलिए लगता है कि व्यक्ति जो है वो हीन भावना से ग्रस्त न हो। यह एक जैविक विकास की प्रक्रिया है और इस विकास में कोई भी व्यक्ति जो जिसको सरवाइव करना है उसको अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं यह सही है। तो यह जो है यह बहुत ही जरूरी है कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, चाहे आपकी अवस्था 6 महीने की हो, या 6 बरस की हो, या 16 बरस की हो, या 26 बरस की हो, 56 बरस की हो, 60-66 बरस की हो, 76 बरस की।
आप में जो आत्मविश्वास होता है वही आपको जीने में मदद करता है। तो आपकी जैविकी के लिए यह बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए हमें यह गुण मिला है प्रकृति से, यह इल्यूजन मिला है प्रकृति से, आप इसको इल्यूजन भी कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब हम उस उम्र को पार कर जाते हैं तब हमें लगता है ओहो हमने ये गलती कर दी थी, वो गलती कर दी थी, अब मुझे मौका मिलता तो मैं अब वो गलती नहीं करता, मैं ऐसा करता वैसा करता, इस तरह का हम लोग जो है इफ एंड बट बहुत सारा लगाते हैं। लेकिन जब जिस उम्र में होते हैं उस उम्र में सोचते हैं कि नहीं, उस वक्त जो काम कर देते हैं हम सोचते हैं नहीं मैंने बिल्कुल सही किया। तो यह हमारे भीतर में एक कॉन्फिडेंस जगाता है, आत्मविश्वास है, और इस आत्मविश्वास के कारण ही हम सर्वाइव कर पाते हैं, हम जी पाते हैं, अपने जीवन को बचा पाते हैं और औरों के भी अपने करीबियों के भी जीवन को बचा पाते हैं। तो विकास में ये काफी योगदान करता है यह इल्यूजन भी। अब जब ज्ञान की बात इसमें आती है, हम इनको लगता है कि नहीं मुझे और होना है, तो वे और बेहतर, उनमें और सर्वाइवल क्वालिटी होती है क्योंकि वे नई नई चीजों को बहुत तेजी से सीखते हैं। बाकी लोग भी सीखते हैं, जो उस इल्यूजन में रहते हैं वे भी सीखते हैं, और जो उस इल्यूजन में नहीं रहते वे बहुत तेजी से सीखते हैं, अंतर इतना है। तो जो बहुत तेजी से सीखते हैं वो समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं, और जो आराम आराम से धीरे धीरे सीखते हैं, अपने धक्के मुक्के से सीखते रहते हैं, तो वे जो हैं वो भी अपना जीवन तो बचा लेते हैं लेकिन समाज में बहुत ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त कर पाते, उनका वर्चस्व नहीं रहता है। वे धन के मामले में, पद के मामले में, सम्मान के मामले में, ज्ञान विज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में, सामाजिक पहचान के मामले में, शारीरिक बल के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर मामले में वे कमजोर पड़ते हैं। तो जहां पर जिसको अपना लगता है कि हमारा यह जो है कमजोर पक्ष है, वह उसमें प्रयास करता है तो वो मजबूत हो जाता है। लेकिन वैसे प्रयास तो वो तभी करेगा जब वो समझेगा कि मैं इसमें कमजोर हूँ, मुझे इसमें मजबूत होना है, मैं इसमें पीछे हूँ, मुझे इसमें आगे आना है। तो उस इल्यूजन से फिर वह बाहर आता है कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, इस इल्यूजन से वो बाहर आता है। तो वह आगे चलता है, सोचता है मुझे परफेक्ट होना है, मुझे यह चीज कर लेना है, यह चीज पा लेना है। तो यह जो है फाइनल वर्जन इल्यूजन, यह तो अधिकतर को ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को नॉलेज के प्रति भी जो है काफी ज्यादा उनका जो है लगाव होता है, और संसाधनों के प्रति और सभी चीज के प्रति कि कैसे हम अपना सर्वाइवल वैल्यू बढ़ाएं, तो वे इल्यूजन से हट करके थोड़ा सा आगे काम करते हैं तो समाज में वो अच्छा और स्थान बनाते हैं, और अपनी और अपने लोगों की, अपने परिवार की वह जो है एक ज्यादा बड़ी जो है संघर्ष क्षमता, उसको मतलब उसको जीत करके वो एक अच्छा पोजीशन दिला देते हैं ताकि उनको कम से कम संघर्ष करना पड़े और समाज के दबदबे वाले स्थिति में वे आ जाएं, तो उनमें जीवन क्षमता हो जाए। तो यह स्थिति होती है उनमें, सुख शांति सौहार्द ये सब सब जो है ये सब सब आते हैं, चाहे कवित्व हो गए, जो भी जिस क्षेत्र में भी आप देखते हैं कोई बड़ा नाम जो आप देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वह वैसे हैं जो कि उस इल्यूजन से, फाइनल वर्जन इल्यूजन जो होता है उस इल्यूजन से बाहर आते हैं। तो वैसे लोग ही समाज में ऊंचा स्थान बना पाते हैं जिस भी क्षेत्र में बना रहे हों। तो अब आप अपने को देखिए, समझिए कि आखिर उस इल्यूजन का भी तो कुछ मतलब है ही, लाभ है ही, परंतु वहीं पर टिक जाना, वहीं पर रुक जाना, यह जो है उसके जैविक विकास में और उसके पारिवारिक विकास में, सामाजिक विकास में, शैक्षणिक विकास में, आर्थिक विकास में वह एक बाधा आ गई है। हरिओम।